दोस्तों हमारे पास एक अभी लेनोवो थिंकपैड L480 लैपटॉप आया है जिसका कीबोर्ड का इशू है। देखिए इस करने के लिए नॉर्मल आपको पहले ये दोनों क्लिप निकालना पड़ेगा, ये रिमूव कीजिए, उसके बाद एक यहाँ पे स्क्रू और एक यहाँ पे स्क्रू, दो आपको स्क्रू रहेगा, ये स्क्रू आपको प्रॉपर तरीके से ओपन करना है। देखिए ये भी क्लिप निकाल दिया गया है, उसके बाद आपको माइनस स्क्रू ड्राइवर लेना है क्योंकि अगर ज़्यादा स्टार से आप करेंगे तो प्रॉब्लम होएगा। माइनस स्क्रू ड्राइवर लेकर के इसको पुश करना है, पुश करेंगे ऑटोमेटिकली ये कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसा ओपन होता है इसको थोड़ा सा हमें फिर से बैक साइड में करके और ये निकाल लेना है। और ये ध्यान दीजिए ये बैकलाइट का है और ये आपके कीबोर्ड का है, तो इतना ध्यान दीजिएगा कि बैकलाइट का और कीबोर्ड का हमें प्रॉपर अच्छे से निकालना है, नहीं तो अगर बैकलाइट का पिन डैमेज हुआ तो फिर रिपेयर नहीं होता है। देखिए अभी जैसे हमने आहिस्ते से इसको निकाल लिया, ये हमारा पुराना कीबोर्ड और हमने सेम नया कीबोर्ड ऑर्डर किया था लेनोवो से और अभी आ गया हमारे पास, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं। देखिए अभी इसको आराम से लगाने के लिए हमें फिर से केयरफुल देखना है, ये जो लॉक रहता है देखिए ग्रीन कलर का पट्टी है इसको ऊपर ही रखना है हमें, कभी भी नीचे ब्लैक कलर का जो रहता है वो मार्किंग पावर के अंदर जाना चाहिए। देखिए ये देखिए अभी ये हमने इसको लगा दिया और इसको आहिस्ता से प्रेस करके बंद कर देना है। ये देखिए ये बैकलाइट का भी हमने लगा दिया है, बैकलाइट लगने के बाद हमें प्रॉपर अच्छे से आपको एक इसको बैंड करना है ताकि इसमें केबल डैमेज ना हो। अभी ये हमारा कीबोर्ड लग गया है, अभी पहले कीबोर्ड को ऐसा ही रख के और ऑन करके चेक कर लेना है कीबोर्ड वर्किंग कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। तो इसके लिए हमें ऑन करेंगे, देखिए अभी हमारे कीबोर्ड में लाइट आ गया है, ठीक है मतलब कीबोर्ड हमारा प्रॉपर लगा हुआ है। देखिए दोस्तों अभी हमारा कीबोर्ड देखिए चल रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है ओके। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।